भवन में आए और तब उनको आभास होगा कि हम कितने सही बदल गए हैं, हमारे में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। मैं कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि बिना समय गंवाए छात्रों छात्राओं के समूह को वहां जाने के लिए प्रेरित करें। वो मेरे मेहमान होंगे महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मौका है। इसका मिश्रण एक दूसरे महत्वपूर्ण मौके से हो गया, स्वामी श्रद्धानंद के 75वें बलिदान दिवस। और इसका तीसरा महत्व हो गया कि इन दो का संगम जब हुआ तो इस विश्वविद्यालय ने 3 दिवसीय वेद, विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया है। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के प्रणेता इन मनुष्यों की पावन स्मृति में आयोजन किया जा रहा यह महाकुंभ उनके महान जीवन के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। उन्होंने हमारे संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है जो हमें सदा प्रेरणा देती रहेगी। इस महाकुंभ के माध्यम से वेद विज्ञान को सशक्त करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैंने राज्यसभा के सभापति की हैसियत से केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अनुरोध किया कि समय आ गया है कि हम वेदों में झांकें, पर थोड़ी चिंता होती है कि बहुत सोने तो वेद देखे ही नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेद से अवगत कराएं। ये हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए और विश्व के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संस्थान में आकर न सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा की विराटता का अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारी चमक को अब दुनिया समझ रही है, विशालता पर गौरव होता है, बल्कि सदियों के औपनिवेशक शासन का दमनकारी चरित्र भी मालूम पड़ता है। हम उसको तिलांजलि दे रहे हैं। वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ में देश की नई शिक्षा नीति और वैदिक शिक्षा दर्शन के विभिन्न आयामों पर चर्चा की जाएगी। ये प्रशंसनीय है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम और अकादमिक कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। हमारी नई शिक्षा नीति हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को सृजन करने वाली है। हर भारतवासी को अपनी संस्कृति और विरासत को लेकर गौरव अनुभव करना चाहिए, और हम करते हैं। भारतीयता हमारी पहचान है। कहां जहां भी देश में जाएंगे हमारी पहचान भारतीयता है। राष्ट्रवाद हमारा परम धर्म है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं। हाल के वर्षों में अर्जित अप्रत्याशित सफलता, अकल्पनीय विकास से हमारा सर ऊंचा होना चाहिए और इस पर कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चिंता और चिंतन का विषय है। कुछ लोग, गिने चुने लोग, गौरव तो छोड़ दीजिए, अपनी संस्कृति, गौरवमयी अतीत और वर्तमान विकास को लेकर अपमान का भाव रखते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है। भारत की महान छवि को धूमिल करने में ये लोग
लगे रहते हैं, वो या तो भ्रमित हैं या पथ भ्रष्ट हैं। भारत विरोधी प्रचार और देश की संस्कृति को धूमिल करने का हर कुप्रयास को कुंठित करना हर भारतीय का परम दायित्व है और कर्तव्य है। इन ताकतों को जो हमारे संस्कृति के विरोध में हैं, राष्ट्रवाद के विरोध में हैं, हमारे अस्तित्व के विरोध में हैं, उन पर प्रतिघात होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक ज्ञान विज्ञान का अकादमिक विमर्श और अनुप्रयोग का अनिवार्य अंग बनाने के उद्देश्य से 3 दिवस में जो आपकी गोष्ठी है वो एक सार्थक प्रयास है। मुझे बताया गया है देश विदेश के वैदिक विद्वान, वैज्ञानिक शोधकर्ता, अकादमिक जगत के विद्वान चिंतन मंथन से निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश देंगे। यह एक तरीके से मंथन है जिसमें बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलेगा और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सुखद अनुभव। आपके कुलाधिपति महोदय ने बताया कि काफी संख्या में शोध पत्र आए हैं, उन पर चिंतन होगा, अध्ययन होगा, मंथन होगा। हर मापदंड पर आज का कार्यक्रम सामयिक महत्व रखता है। इसकी गूंज देश के हर विश्वविद्यालय में जाएगी। यहां का संदेश प्रेरणादायक होगा। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और गुरुजनों को साधुवाद का पात्र मानता हूं। वेद विज्ञान महाकुंभ का ये पर्व हमें हमारी प्राचीन ज्ञान और विज्ञान के प्रति गर्व महसूस करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। अक्सर देखा जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। थोड़ा अंदर झांकेंगे तो पता लगेगा विश्व में हमारा मुकाबला करने वाला और कोई देश नहीं है। यह सुखद विषय है, सुखद संयोग है कि अमृत काल में अनेक कदम सरकार ने उठाए हैं जो हमारी संस्कृति और वेदों के अनुरूप उठाए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य पालन के पंच प्राण का आह्वान किया था। आने वाले 25 साल के लिए देश को पंच प्राण पर अपनी शक्ति, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य को केंद्रित करने पर जोर दिया था। आप इसकी सार्थक शुरुआत करेंगे। पंच प्राण क्या है? विकसित भारत पहला प्राण। हमारी यात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। हमें दिख रहा है कि भारत निश्चित रूप से विकसित भारत होगा। 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई है। दशक के अंत में ये 3 नंबर पर आ जाएगी। यूके को पीछे छोड़ दिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, ये सब पीछे रह जाएंगे इस दशक के अंत में। दूसरा, गुलामी की हर सोच से मुक्ति। कुछ लोग अब भी अंग्रेजियत के गुलाम हैं, हमारी संस्कृति में विश्वास नहीं रखते, हमारे सोच और दर्शन का अनादर करते हैं। यह संस्कृति हमें डेवलप करनी होगी, विरासत पर गर्व करना। तीसरा प्राण, एकता और एकजुटता चौथा प्राण, नागरिकों के कर्तव्य 5वां प्राण। मैं निश्चित मानकर चलता हूं कि ये बात याद दिलाने के लिए मैं भारत माँ की पूरी भूमि में से
सबसे सुयोग्य जगह से ये बात कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच प्रणों में से ये भी एक प्रण है, गुलामी के हर चिन्ह से मुक्ति। आपने देखा होगा इंडिया गेट के ऊपर नेताजी सुभाष बोस की स्टैचू, कितना बड़ा कदम। राजपथ को कर्तव्य पथ करना कितना बड़ा विचार है। नई शिक्षा नीति शिक्षा के भारतीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आत्मनिर्भर भारत का नारा हमारे आर्थिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है और इसका भारी असर जो पड़ रहा है, जिसको दुनिया महसूस कर रही है, उसके बारे में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो पहले चिंता करते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था जर्जर है, आज कहते हैं कि भारतवर्ष वो देश है जो सबसे ज्यादा आर्थिक प्रगति कर रहा है। विश्व के लिए इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी का फेवरेट डेस्टिनेशन है, ये उपलब्धि हमारे वर्तमान स्थिति की है। सफलतापूर्वक आयोजित G20 सम्मेलन में भारत की समृद्ध संस्कृति और वेद विज्ञान की झलक दिखी है, मैंने खुद आंखों से देखा है। दुनिया के नेता अभिभूत हो गए, जानकारी प्राप्त करते रहे। देश के 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठक होकर विदेशी नेताओं को भारत की संस्कृति का ज्ञान हुआ, अचंभित हैं वो। उन्होंने जो प्रशंसा की, मेरा सर ऊंचा हो गया कि मैं इस महान भारत, इस भारत माँ की सेवा में लगा हुआ हूं और मुझे इसका एक सपूत बनना चाहिए। भारत ने विश्व को शांति ज्ञान में महान योगदान दिया है। विश्व शांति और बंधुत्व के लिए भारत ने वसुदेव कुटुंबकम का आदर्श दिया है। और G20 का मोटो क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। पूरी दुनिया ने इसको ग्रहण कर लिया है कि यही हमारी सृष्टि को बचाने का एकमात्र माध्यम है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सम्मेलन में जो हिस्सा लेने शासन अध्यक्ष आए, उनका स्वागत किया। जब स्वागत को हम देख रहे थे तो क्या स्थान सुना? उसके पीछे कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर के चक्र की प्रतिकृति लगी हुई थी। हर फोटो में कोणार्क का सूर्य मंदिर दिखाई दिया है, दुनिया ने देखा है। इसी दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल बिहार का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बैकग्राउंड में दिखा है, नटराज की मूर्ति दिखी है, दुनिया ने देखी है। जहां आयोजन हो रहा था भारत मंडपम, सांस्कृतिक गलियारे थे, पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, ऋग्वेद की पांडुलिपियां, सूर्य द्वार नामक मूर्तिकला और मध्य प्रदेश की भीम बेट का गुफा चित्रों की डिजिटल तस्वीरें प्रदर्शित हो रही थी। हर विदेशी मेहमान आंख लगाकर भारत की सांस्कृतिक विरासत का आनंद ले रहा था, भारत का सम्मान कर रहा था। यह अत्यंत अद्भुत गौरवान्वित करने वाला क्षण था और मुझे भारत माँ का एक पुत्र होने के नाते, कृषक पुत्र का इस पद पर आने की वजह से पल पल देखने का मौका मिला। जब मैंने आमंत्रित किया है यहाँ के छात्र छात्राओं को नए संसद भवन के लिए, उसमें आप भारतीयता और हमारी सदियों पुरानी संस्कृति की भरपूर झलक देखेंगे। लोकसभा की थीम क्या है?
सोचिए, लोकसभा की थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर, वो लोकसभा की थीम है। आप जब उस कक्ष को देखेंगे आप अभिभूत हो जाएंगे। राज्यसभा की थीम है हमारा राष्ट्रीय फूल कमल, और प्रांगण में बरगद भी है, वृक्ष बरगद भी है। ये बदलाव थम नहीं रहा है, ये बदलाव निरंतरता से आगे जा रहा है, हमारे मूल सोच के अनुसार आगे जा रहा है। हाल के सत्र में इसी माह 3 नए विधि विधान पारित किए गए, बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हुए, राज्यसभा में पारित हो गए, वो कानून बन गए। पर मिला क्या? अंग्रेजों ने जो हमें जकड़ रखा था कानून की वजह से, उसी कानून में हमारे लोग पिस रहे थे। उनका उद्देश्य था दंड विधान। भारत की संसद ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से दंड विधान को न्याय विधान किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग दिवस विश्व को हमारी देन है। भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आह्वान किया, दुनिया को बताया। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अब भारत के योग का योगदान दुनिया के हर भूभाग को मिल रहा है, हर व्यक्ति को मिल रहा है, उनके स्वास्थ्य में सुधार कर रहा है, और इस प्रस्ताव को अप्रत्याशित रूप से सफलता मिली और 90 दिन में इसको पारित किया, जो एक नया इतिहास रचित हुआ। कहने को बहुत कुछ है, पर एक बात जरूर कहूंगा, गुरुकुल कांगड़ी जैसे शिक्षा संस्थान ज्यादा नहीं है, आप अद्भुत हैं। आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं, आप राष्ट्रवादी चेतना और चिंतन के केंद्र हैं। कुछ पश्चिमी विश्वविद्यालय अनर्गल कारणों से हमारी संस्कृति, हमारी विकास यात्रा को कलंकित करने में लगे हुए हैं। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, आपकी विद्वता को देखते हुए, आपके संकल्प को देखते हुए, भारत की संस्कृति कभी नीचे नहीं होगी, आपको उनका प्रतिकार करना चाहिए। इस महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए, वो हमारे ही हैं, भटके हुए हैं, हमारा कर्तव्य है। उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार्य नहीं है।